हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं BA 21 के चैप्टर 8 के MCQs के बारे में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज चैप्टर 8 बायोडाइवर्सिटी थ्रेट एंड कंजर्वेशन के इंपॉर्टेंट MCQ 15 MCQ इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। वीडियो में जो भी MCQs बताए जा रहे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम हैं उनमें भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। साथ ही साथ क्वेश्चन को लिखते चलना ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। साथ ही अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी देख लेना। BA 21 की कंप्लीट सीरीज़ आपके साथ में शेयर की जा रही है। इससे पहले 7 चैप्टर की वीडियोस ऑलरेडी आप सभी को प्रोवाइड की जा चुकी हैं और आने वाले समय में कंप्लीट चैप्टर वाइज वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसके साथ ही हमने आप सभी से 2 टर्म एंड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर, यानी कि 1 दिसंबर 2020 का और 1 दिसंबर 2021 का टर्म एंड एग्ज़ाम का ओवरऑल एनालाइज करके साथ ही सॉल्यूशन के साथ में शेयर किया है, तो उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन स्टूडेंट को अभी भी डाउट है कि एग्ज़ाम कैसा आएगा तो उनको क्लियर कर दें, आपका BA 21 यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो क्वेश्चन पेपर है हमेशा MCQ टाइप ही आने वाला है आपके जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उन सभी में। ओके, तो आइए बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो में। बट उससे पहले इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए स्टूडेंट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं MCQ क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन वो 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड्स बैन इन द USA आर स्टिल एक्सपोर्टेड टू डेवलपिंग कंट्रीज आर। अब देखिए यहाँ पे US के एग्जाम्पल दिया जो कि एक डेवलप कंट्री है, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया है एक्सपोर्टेड डेवलपिंग कंट्रीज। अब डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया जो कि विकासशील है, विकास के पथ पर है, और US जो कि डेवलप माना जाता है, तो ऐसी कंट्रीज में कई सारी चीज़ें बैन होती हैं, और जो डेवलपिंग कंट्री लाइक अवर इंडिया, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें बहुत ढड़ल्ले से आपको मार्केट में देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है बिक्स का, और दूसरा है लाइफबॉय साबुन का, तो नहीं आपको इंडिया में बहुत कॉमनली मिल जाएंगे, लेकिन US वगैरह कंट्रीज़ में वो बैन है। ठीक है, ऐसा ही कुछ पेस्टिसाइड्स हैं उनके केस में भी है, DDE, PCB और DDT, ये तीनों ही प्रकार के केमिकल्स US में आपके बैन है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया यहाँ पे बहुत ईजिली मिल जाते हैं और बहुत यूज़ किए जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन इज। अब सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन है ग्रेट इंडियन राइनोसोरस, ऑप्शन बी है एलिगेटर, ऑप्शन सी पैसेंजर पीजन, ऑप्शन डी सीगल्स। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पैसेंजर पीजन। ओके, इसके बाद में डियर क्वेश्चन नंबर 3 है, द मेन रीजन फॉर एनिमल स्पीसीज एक्सटेंशन एट द करेंट हाई रेट। अभी के टाइम पे आपको पता है कई सारे ऐसी कारण है जिससे कई सारी प्रजातियाँ, कई सारी स्पीसीज बहुत ही तेज़ी से ख़त्म होती चली जा रही हैं एनिमल्स की। सो इसका जो सबसे बड़ा कारण बना है वो है डोमेस्टिकेशन ऑफ सिलेक्टिव स्पीसीज ऑफ एनिमल, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, इसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उस पर हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हैबिटेट मॉडिफिकेशन में अक्योर ड्यू टू। अब हैबिटेट मॉडिफिकेशन क्यों होता है? उसका एक कारण है फ्रेगमेंटेशन होना जो कि ओरिजिनल हैबिटेट में होता है, दूसरा पॉल्यूशन एक कारण बना हुआ है, तीसरा चेंजेस इन स्पीसीज कंपोजिशन ड्यू टू ह्यूमन। अब ह्यूमन्स के अकॉर्डिंग स्पीसीज की जो कंपोजिशन है उसमें चेंजेस आने, बदलाव आने, सो ऑप्शन डी करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद में डियर क्वेश्चन नंबर 5 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीवियस एग्जाम जो कि दिसंबर 2020 वाली टर्म एंड एग्जाम थे उसमें आया हुआ था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों की उजड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑप्शन है आपके सामने फॉरेस्ट फायर जो कि एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिलता है, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम बांध का निर्माण, और दूसरा है ऑप्शन सी है माइनिंग जो कि आप सभी को पता है खनन के कारण भी कई सारे वनों का विनाश होता है, ऑप्शन डी है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सो करेक्ट आंसर है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो कि डी है, क्योंकि पता है आपको पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है जिस वजह से कल्टीवेशन के भी कई सारे अलग अलग ऑप्शन निकाले जा रहे हैं। ओके,
क्वेश्चन नंबर 6, पैसेंजर पिजन इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लॉस ऑफ स्पीसीज टू टू। सो अभी हमने बात की इसी क्वेश्चन की और इससे रिलेटेड हमने देखा। सो इसका आंसर क्या है? डी है, सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन फॉर फूड। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंपॉर्टेंट है और इससे जो आपके क्वेश्चन 5, 6 और 7 ये आपकी एग्जामिनेशन में आए हैं दिसंबर 2020 के। ओके, क्वेश्चन है द बीट विच कॉज इनॉर्मस डैमेज इन फिश एंड राइस क्रॉप इज। सो ऑप्शन है आपके सामने वाटर हाइसेंट, कांग्रेस पेड, ऑप्शन सी गोल्डन एप्पल स्नेल, ऑप्शन डी मॉस्किट। सो करेक्ट आंसर क्या है? वाटर हाइसेंट इसका करेक्ट आंसर है। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इन्वेसिव स्पीसीज विच कॉज स्किन एलर्जी, और ये क्वेश्चन आपके दिसंबर 2021 के टर्म्ड एग्जाम में आए हुए और इस वाले एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं। सो ऑप्शन है आपके सामने वाटर हाइसेंट, ऑप्शन बी कांग्रेस पेड, ऑप्शन सी स्पीड पे एंड ऑप्शन डी मॉस्किट। करेक्ट आंसर क्या है? कांग्रेस पेड, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है और इसको अलग अलग नेम से भी जाना जाता है अलग अलग जगह पे, और ये एक प्रकार की पोलन्स छोड़ता है जिससे स्किन में इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हैज़ बीन यूजफुल कंजर्वेशन ऑफ। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जाती है जिससे कुछ स्पीसीज को बचाया जाए या फिर उनमें कुछ अलग डिफरेंट कंपोजिशन की जाए। ऑप्शन है स्नेक्स, ऑप्शन बी लिजार्ड, ऑप्शन सी एलिफेंट, ऑप्शन डी डग। सो करेक्ट आंसर क्या है? एलिफेंट, ऑप्शन सी। ओके, इसके बाद में डियर क्वेश्चन नंबर 10 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ दी फॉलोइंग प्रोवाइड जेनेटिक इंश्योरेंस। अब आपको पता है एक नॉर्मल इंश्योरेंस होता है जो आपको बैंक और इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, लेकिन अब जेनेटिक इंश्योरेंस क्या है? कुछ ऐसी जीन्स को बचा के रखना जो कि अगर पूरी सृष्टि को विनाश हो जाए तो उनको दोबारा से डेवलप किया जाए, ठीक है, कुछ प्लांट की स्पेसिस, कुछ एनिमल्स की स्पेसिस, तो उनको दोबारा से डेवलप के लिए जाए। तो इसके लिए एक सबसे अच्छा जो ऑप्शन बनाया गया है वो है सीड बैंक, ठीक है। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑप्शन, सीड बैंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 11 है MAB से रिलेटेड, जो कि एक प्रकार का एक प्रोग्राम है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था बायो रिजर्व को इनिशिएट करने के लिए। क्वेश्चन है इन विच ईयर द प्रोग्राम ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वॉज इनिशिएटेड अंडर द मेन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम बाय यूनेस्को। ऑप्शन है 1964, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1972। करेक्ट आंसर है 1971, ऑप्शन बी। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका डेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछता है इन विच ईयर द वर्ल्ड फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ बीन एस्टेब्लिश। कौन सी ईयर में पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना वर्ल्ड का? करेक्ट आंसर, बट उससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 1971, ऑप्शन बी 1972, 1978 और ऑप्शन डी 1979, जो कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1979, जिसमें आपका पहला वर्ल्ड का बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। पहला भारत का बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरवन, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी गल्फ ऑफ मन्नार। करेक्ट आंसर क्या है? बट उससे पहले इनकी लोकेशन भी कई बार पूछ ली जाती है। तो नीलगिरी आपका तमिलनाडु में है, और इसके बाद में जो सुंदरवन है वो आपका वेस्ट बंगाल में है, और नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, और आपका गल्फ ऑफ मन्नार है तमिलनाडु में, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है नीलगिरी, जो कि आपका फर्स्ट इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके डियर, इसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो आपकी स्टेट वाइज भी पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। IUCN द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स हेडक्वार्टर इज, कि जो IUCN है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑप्शन है मॉस स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, वीना ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क USA। ऑप्शन जो ए है मॉर्स स्विट्जरलैंड, जो कि आपका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल बाय। अब ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी समस्या है, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? कारण एक इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या हो सकता है इसको कंट्रोल करने का? ऑप्शन है रिडक्शन,
डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन यूज ऑफ फ्यूजल फॉइल, रिडक्शन डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीजिंग द यूज ऑफ फ्यूजल फॉइल, इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन, स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन, रिडक्शन इफिशेंसी ऑफ एनर्जी. करेक्ट आंसर है रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन और दूसरा कटिंग डाउन यूज ऑफ फ्यूजल फॉइल. सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है. सो डियर स्टूडेंट, हमने बात की 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके BA 21 के MCQ क्वेश्चंस हैं. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इन सभी को आप साथ साथ नोट करते रहे होंगे तो आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो गए होंगे. साथ ही सभी क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आने हैं. इसके अलावा आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे उनको भी देख लो, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसके अलावा आप प्लेलिस्ट को डायरेक्टली भी चेक कर पाएंगे. BA 181 को लेकर यूनिट 8 की भी वीडियो आपके लिए कंप्लीट हो गई है. जल्दी बाकी यूनिट की वीडियो आपको मिल जाएंगी. सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें. साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी स्टूडेंट के साथ में. और हाँ, चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही सोशल मीडिया फॉलो कर लें. और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं एक और अपडेट में एक और न्यू वीडियो के साथ में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों.